नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि मन होता है आप लोग के साथ शेयर करूं। आज विश्वविद्यालय में कुछ ऐसा ही वाकया हुआ, मैं कहा शेयर करता हूं, शायद आप लोग को सीखने को कुछ मिले। विश्वविद्यालय में देखा जाए तो हर किसी का अपना कोई ना कोई एक फेवरेट प्लेस होगा। ज्यादातर लोगों का तो विश्वनाथ मंदिर होगा, सेंट्रल लाइब्रेरी होगा, साइबर लाइब्रेरी होगा। आप लोगों में से कुछ लोग का आपका डिपार्टमेंट होगा, आप अपनी फैकल्टी को ही अपना फेवरेट प्लेस मानते होंगे। मेरा भी ऐसे ही है, आर्ट्स फैकल्टी में ज्यादा टाइम दिया है तो आर्ट्स फैकल्टी ही मुझे लगता है कि मेरा फेवरेट प्लेस है। आज भी उधर जाना होता है तो सोचता हूँ कभी बैठूं थोड़ा उधर दोस्तों से बातचीत करूं, तो आज ऐसे ही मेरा उधर जाना हुआ। बैठ के इंतजार कर रहा था तो उधर से एक लड़की आती है, वो मेरे को पहचान गई। तो उसने बोला कि सर आपसे एक हेल्प चाहिए था, प्लीज मेरी मदद करोगे। मैं बोला कि हाँ बताओ क्यों नहीं। तो उसने बोला कि सर मेरी मम्मी जो है वो बीमार है, सुंदरलाल में उनको दिखाना है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उनको दिखाऊं, शायद कोई आईडी वगैरह होता है तो आप मुझे सजेस्ट कर देते तो मैं उनको दिखा लेती। तो मैं बोला कि उसका बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, अपना पर्चा कटा के जिस विभाग में दिखाना है, जिस विभाग में रिकमेंडेशन है उसमें जाके दिखा दो, उस तरीके से उतना भीड़ होता नहीं आजकल। मैंने जो भी था पॉसिबिलिटी मैंने उसको बता दिया, फिर वो चली गई। मैं अपना बैठा रहा, फिर अपना कुछ काम कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर से रिटर्न आती है तो उसने देखा कि मैं अभी बैठा ही हूं, तो बोलती है कि सर एक और हेल्प कर दो आप। तो मैं बोला हाँ बताओ। तो उसने बोला कि सर मेरे को एक होम ट्यूशन अरेंज कर दोगे। तो मैं बोला कि अभी तो तुरंत मेरी नज़र में नहीं है लेकिन अगर मुझे पता चलेगा तो मैं जरूर रिकमेंड कर दूंगा तुमको। तो फिर मैंने उसका नाम पूछ लिया, मैं कहा अच्छा क्या नाम है तुम्हारा। तो उसने अपना नाम बताया, मैं कहा कहाँ से आते हो। उसने अपना एड्रेस बताया तो मैं कहा कि कहाँ रहते हो वैसे, हॉस्टल मिला है। तो बताया कि नहीं हॉस्टल तो नहीं मिला है सर, मैं बाहर रहती हूँ। तो मैं कहा अच्छा, जनरली मैं आप ही लोगों को बताने के लिए पूछ लिया कि अच्छा कितना खर्चा आता है तुम्हारे रूम का, रेंट का, इसका। तो उसने बताया कि सर मैं जहाँ पे रहती हूँ उसका 1200 रुपये मुझे पे करना होता है। तो मैंने कहा 1200 रुपये वाला रूम अभी भी मिल जाता होगा। तो उसने बताया कि हाँ सर मिल जाते हैं, ठीक ठाक रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने बताया कि फिर वो अपना बताने लगी, फिर उसने बताया कि सर ऑलरेडी मैं 2 कोचिंग पढ़ाती हूँ और 2 कोचिंग मिला के मुझे 3200 मिल जाता है, 3200 रुपये 2 कोचिंग पढ़ा के मुझे मिल जाते हैं, जिसमें से कि मैं 500 रुपये जो है वो अपने पूरे खाने पीने के लिए रख लेती हूँ, पूरे महीने के लिए 500 रुपये। मैं कहा अच्छा, और उसी पैसे में से 1200 रुपये मैं अपना रेंट भर देती हूँ, बाकी का 1000 रुपये वो मैं अपने घर अपनी मम्मी को भेज देती हूँ। तो मैं कहा कि पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस पे क्या क्वेश्चन करूं। तो मैं कहा कि 500 रुपये में तुम खा लेते हो। तो उसने बोला कि हाँ सर मैं बीच बीच में जाती रहती हूँ घर, तो बेसिकली जो आटा है, चावल है, दाल है, ये 3 चीज़ें तो मैं घर से ही ले आती हूँ। और तो मैं कहा फिर भी आजकल तो सब्जी भी महंगा है, 500 में कैसे होता है। तो उसने बताया कि सर मैं मैक्सिमम टाइम दाल चावल रोटी और अचार वगैरह रहता है, मैं उसी से अपना काम चला लेती हूँ। अब बहुत कॉन्फिडेंट होके बोल रही थी, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसे बहुत सिंपथी गेन करना है, मतलब कन्वर्सेशन बहुत ही सही चल रहा था। मतलब ना मैं बहुत ज़्यादा उसको सिंपथी दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उसका आत्मबल थोड़ा भी तोड़ूं, क्योंकि वो उसकी स्ट्रांगनेस मुझे उसकी बातों से नज़र आ रही थी कि 3200 रुपीज अर्निंग है उसकी और वो 1000 रुपये अपनी मम्मी को भी भेज रही है और बस दाल चावल रोटी मुझे लग रहा है शायद ही कभी वो सब्जी खरीद के लाके बनाती होगी। खैर उस समय तो मेरा जस्ट एक कन्वर्सेशन था, ज़्यादा लॉन्ग नहीं था। तो मैं कहा हाँ अच्छा है, इट्स ओके, मुझे अगर कोचिंग मिलता है तो मैं ज़रूर तुम्हें रिकमेंड करूँगा। फिर वो चली गई, लेकिन बाद में मैं जब तक वहाँ बैठा था 10 मिनट 15 मिनट्स आधे घंटे तक, मैं बड़ा उसको सोचा कि 3200 रुपीज़ में 500 रुपीज़ वो
अपने खाने पे लगाती है, 1,000 रुपये अपने घर भी भेजती है, 1,200 रुपये वो अपना रेंट भी भरती है, बाकी कुछ पैसे जो बच गए वो अपना एक्स्ट्रा रखी हुई है इमरजेंसी के लिए। तो जस्ट ये जो वाक्य है, मुझे नहीं पता कि आप लोग उसको कितना महसूस कर पा रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि ये वाक्य उस बस सिंगल लड़की का नहीं है या ऐसे बस एक छात्रा का नहीं है, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले ऐसे तमाम विद्यार्थियों का हो सकता है। और हम सब उसी कैटेगरी में आते हैं, हम सब एक जैसे ही हैं लगभग। लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, शायद ये कभी चर्चा नहीं हुई हो और शायद ये आपकी ही स्टोरी हो, ठीक है। तो बस ये एक वाक्य है जो कि बस मैं सोचा आपको पहुंचाऊं, आपसे बस बातें करूं, और लेकिन उसका जो कॉन्फिडेंस था ना वो बहुत स्ट्रांग था। और सच बताऊं तो मैंने भी थोड़ा भी सिंपैथी नहीं दिखाया, मैं थोड़ा भी उसको इस तरीके से नहीं रियलाइज कराया कि अच्छा तुम्हें हेल्प चाहिए तो बताना है, या कुछ इस तरीके का कि अच्छा तुम्हें पैसे की जरूरत है। तो क्योंकि मुझे लगा कि मैं अगर ऐसी बातें करूंगा तो उसका आत्मविश्वास जो है ना, आत्मबल जो है ना, टूट जाएगा। क्योंकि जो उसकी जो सिचुएशन है, उसने भले बड़े कॉन्फिडेंट सर बताया होगा, लेकिन ये चीज ना उसके कहीं ना कहीं कोर माइंड में होगा कि ये सब चीजें जो है ना एक समय के बाद मैं बदल दूंगी या बदल दूंगा, और उसी लिए वो विश्वविद्यालय में आई है। जब वो जा रही थी ना, तो मैं उसके जाते हुए मैं अगल बगल की फैकल्टी की बिल्डिंग्स को देख रहा था, और मैं यही सोच रहा था ना कि एक समय के बाद ऐसा होगा कि ये पूरी बिल्डिंगें इसकी होंगी, वो इतना पैसा कमाएगी कि इस तरीके की बिल्डिंग वो बनवा पाएगी। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये बहुत कॉमन स्टोरी हो सकती है, लेकिन ये स्टोरी का जो एक मीनिंग है, अगर आप उसको समझोगे तो शायद समझ पाओगे कि एक्चुअली आप विश्वविद्यालय में क्या करने आए हो। और ऐसे ही संघर्ष भरा जीवन हर किसी का है यहाँ पे, हर किसी की अपनी कोई स्टोरी है। जरूरी नहीं है कि वो रिवेल कर रहा है, वो बता रहा है, और मुझे लग रहा है वो पता नहीं वो उसको वीडियो मिलेगा नहीं मिलेगा, वो वीडियो मेरा देखेगी, उसको शायद पता भी चले कि हाँ सर ने इतना नोटिस किया। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा अपने आत्मविश्वास से भरपूर रहो, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जो है ये सिर्फ आपकी है, सिर्फ हम लोगों की है, और हम लोग के पास तो अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ी बात है अवसर है, जो चाहे वो कर सकते हैं। जिनके पास भर के पैसे होंगे वो भला क्या कर सकता है, क्योंकि उसकी पूरी जितनी भी इच्छाएं हैं वो अपने आप पूरी हो रही हैं, और वो नहीं महसूस कर सकता है किसी चीज के पानी की जो एक तलब है वो नहीं महसूस कर सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं ना कि हर किसी लेवल पे आप अपने आप को देखो और एक बार सोचो जरूर कि हाँ आप क्या करने आए हो, और कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो अपने घर की हैं, आपकी हैं, और उसको पूरा करना है। तो मैंने बहुत नॉर्मली उस स्टोरी को सुनाया, क्योंकि इस स्टोरी में जो एक वजन है, जो एक कोर मीनिंग है, वो बिना बताए समझ गए होगे कि वो क्या है। हर किसी के अपने संघर्ष की कहानी होती है, बेशक होती है। जब वो कहानी वो आगे चल के बदल देगी ना, या आप बदल दोगे, फिर पीछे मुड़ के देखोगे तो बड़ा बढ़िया लगेगा, बड़ा मजा आएगा कि हाँ वो था, आज ये है, बड़ा सा है, खूबसूरत है, मजेदार है। और सच बताओ ना, वो सुकून देगा। और मेरा तो मानना है ना कि आसान लाइफ मांगना ही मत कभी किसी से भी। अगर कहीं भी कहीं भगवान से मांगते भी हो तो मत मांगो कि मुझे आसान लाइफ चाहिए, नहीं, संघर्ष वाला ही लाइफ मांगो, मजा है इसमें। इसमें किसी चीज की पाने की जो तलब है ना, वो आपको हमेशा जीना सिखाएगी, हमेशा आपको आगे बढ़ाएगी, हमेशा आपको पुश करेगी। तो ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इससे जरूर कुछ सीखना, और कमेंट्स करना जरूर, जो भी आपने महसूस किया, जो भी आपने फील किया, कमेंट्स जरूर करना, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। अरे